भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और सनातन धर्म को जगाने के लिए जो बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा ये पहल की गई है, जिसका शुभारंभ 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए किया गया था, जिस पदयात्रा का शुभारंभ 21 नवंबर को किया गया था उसकी जानकारी हम आपको बता दें कि उस पदयात्रा का नाम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा रखा गया है और जिसके सानिध्य में आज बागेश्वर धाम से चलकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु कैनपुर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ से ओरछा धाम आज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रह चुकी है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी, आप बता दीजिए। मेरा नाम शिवम सिंह ठाकुर है, मैं कानपुर से आया हूँ सर। अच्छा, आप कितने दिन से इस पद यात्रा में जुड़े हुए हैं? सर जब से चली है 21 तारीख से सर, 29 तारीख तक पूरा। तो 21 तारीख से अभी तक जो आप पद यात्रा में जुड़े हुए हैं, तो आपको व्यवस्थाओं के बारे में तो जानकारी होगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था, हर जगह खाने की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया लगाए। योगी आदित्यनाथ के लिए ताली बजाइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अब हमें दादाजी जानने की कोशिश करते हैं महाराज जी से कि उनका इसके बारे में क्या कहें। तो महाराज जी, जैसा कि अभी एक स्लोगन चल रहा है कि गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम और भाग्य से हिंदू धर्म मिला, किस्मत से हिंदू धर्म, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें भाई हम सभी को यही संदेश देंगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो सीताराम बोलना है। गुरु जी का ये उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में हमारा हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हो, हिंदू राष्ट्र बने, हम सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। गुरु जी ने बहुत बड़ी मुहिम ठानी हुई है, आज ये आठवां दिन है जो हम जो है ओरछा धाम तक पहुँचने में 20-25 किलोमीटर रह गया है। हम सभी भाइयों को मिल करके गुरु जी का साथ और सहयोग देना पड़ेगा। हिंदू धर्म तभी कायम होगा, तभी हमारा हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र देश बनेगा, इसलिए सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। गुरु जी के इसमें बहुत योगदान है, प्रशासन का पूरा योगदान है और हिंदू भाइयों का भी हमारे इसमें पूरा जोश बना हुआ है और दिख रहा है। और व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, खाने में, चाय पानी में, किसी भी चीज में, प्रशासन में, हर जगह हर कोई पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है। और गांव वालों ने भी रास्ते में जगह जगह पर पानी की, चाय की, हर एक चीज की व्यवस्था किया हुआ है। हर जगह हर व्यवस्था है, किसी चीज की कमी नहीं है। सभी से मेरी यह विनम्र विनती है कि सभी पूज्य गुरुदेव महाराज का साथ दें और हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सभी साथ दें। जी बिल्कुल, चलिए हम इन भैया से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप बता दीजिए कि जैसा कि एक कोई व्यक्ति है वो अपने घर को नहीं संभाल पाता है, लेकिन जो बागेश्वर धाम के महाराज है पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो लाखों के जनसेवाल को कैसे संभाल पा रहे हैं? कैसे क्या संभाल पा रहे भाई, काम अच्छा करोगे क्यों नहीं संभलेगा भाई। देखिए क्या है ना, शासन हो या प्रशासन हो, हम अपने घर को क्यों नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि भाई देखो या तो देश को प्रेम से संभाला जाए या तो बल के इनते। तो हमारे महाराज जी तो पहले प्रेम से बोलते हैं ना कि भाई देखो हम लोग क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहे हैं, तो हम भाई से जात पात नहीं करेंगे। हिंदू है कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, भाई हिंदू है ना, हिंदू के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पैदल चल रहे हैं, गला बैठ गया, बाबा जी के पीछे लगे घूम रहे हम लोग, किस लिए? क्योंकि हमारे महाराज जी की इतनी जो सहयोग है, हम लोग उनके साथ है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना है, इसकी प्रतिज्ञा है मेरी भी, अखंड प्रतिज्ञा। हाँ, और बन के ही रहेगा, कोई माइकालाल रोक भी नहीं सकता इसमें। गुरु जी का कहना है, कोई रोक भी नहीं पाएगा। हम सभी हिंदू भाई भाई, आपके कहने का मतलब है भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप बताइए कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो सनातन धर्म में वास्ता रखते हैं भारत के हिंदुस्तानी और जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्हें क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा जी, क्या नहीं फायदा होगा, क्या फायदा क्या होगा, फायदा क्या नहीं होगा, सुरक्षा क्या नहीं फायदा? एक मिनट, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा मतलब है, हिंदू राष्ट्र मतलब है को मालूम पड़ जाएगा कि हिंदुओं का देश है, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग से छेड़खानी मत करो, आराम से कमाओ खाओ रहो, ये लोगों का घर है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही हुआ। एक मिनट भैया, 57 कंट्री है मुस्लिमों की और हमारा एक हिंदू धर्म है, ये इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। और हमारा भाईचारा ऐसा है जहाँ पे राम जन्मे है, जहाँ पहले हाथ जोड़ा जाता है मर्यादा से, और मर्यादा भंग किया जाए तो फरसू चलाया जाता है परशुराम के जैसे। तो हम तो उनकी संतान है, हम उनकी संतान है जो सिंगों से बालपन खेला करते थे, हाँ समुन्दर को पी जाए उनकी संतान है। तो हम कहने अकेला सबसे भारी है, हम लोग हमारे बाबा बागेश्वर अकेले पूरे हिंदुस्तान को संभाले रखे है और 57 मुस्लिम कंट्री देश है, और सबको बोलना पड़ेगा भाई, हर आदमी बोलता है भैया, किसी भी देश में चले जाओ राम राम सब बोल रहे, राम राम बोलो भैया, राम राम
ये राम का देश है, पावन धरती भी है यहाँ पे राम। अरे देश को बोलने वाले तो यही बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, यही से बोलते हैं ना, भारत है, भारत माता की जय हिंदुस्तान। तो हम लोग को क्यों नहीं बना रहे हो हिंदू राष्ट्र? बना तो बात खत्म हो गया, रहना है रहो, दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो लेकिन हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। क्यों भी हो भाई, सुन लो भाई, हमारा ये कहने का मतलब है भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। हाँ हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं भारत माता की जय बोलो, या तुम भारत में रहते हो भारत माता की जय नहीं बोलोगे? पाकिस्तान में रहने वाला हर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो तो पाकिस्तान की जय बोलता है। अरे यार अपने बाप को बाप बोलो, पड़ोसी को बाप क्यों बना रहे हो? क्या अम्मा से पूछो तुम्हारे असली बाप कौन है? भैया गलत बोल रहा हूँ मैं, जो आपके पिता हैं राम हमारे बाप हैं तो हैं, हम गर्व से छाती ठोक के बोलते हैं हम राम की संतान है। जी बिल्कुल, और आपसे आपसे जानना चाहेगी कि जो बागेश्वर धाम के महाराज जी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा इस पद यात्रा का शुभारम्भ 21 नवंबर को किया गया था, जिसका समापन 29 नवंबर को रामराजा सरकार ओरछा में होने वाला है। हाँ जी, तो उनके साथ कितनी संख्या में जो जनसेवा? 2 लाख से ऊपर है भैया, मैं बता रहा हूँ कल की डेट में 3.5 लाख हो जाएगी। हाँ कल की डेट, जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ, देखो पब्लिक कितनी है। और एक चीज और है, देख मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मीडिया वाले पूरा सर्वे नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? हम लोग बाबा जी से 5 किलोमीटर आगे चल रहे हैं और उनके 5 किलोमीटर आगे कितना पब्लिक हो गया सोचिए। मीडिया वाले तो आधा ही दिखा रहे हैं ना, 2.5 से 3 लाख से कम पब्लिक नहीं है। आपको भरोसा नहीं है तो जब 8:30 बजे से रैली निकलती है सुबह, रात को 9 बजे तक चलती है, लगातार हाईवे जाम है, कितना पब्लिक हो जाएगा? जी बिल्कुल, और आप जनता को इस रैली की पदयात्रा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग बड़े आराम से चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के रहने वाले हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग देख रहे हैं कोई किसी को छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो लोग हम लोगों का बाबा जी का सेवा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चाहे यूपी पड़ा हो चाहे हम भी पड़ा हो। लेकिन एक बात बोलेंगे, किसी को बुरा ना लगे, ये रैली भले ही जा रही है, केवल हम लोग 2 आदमी को भरोसे पे चल रहे हैं, एक हमारे बागेश्वर धाम, दूसरा हमारा योगी बाबा।